चीन की सोलोमन डील से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी टेंशन में आ गए हैं और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि चीन की डील से ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा को खतरा है। न्यूजीलैंड ने कहा है कि प्रशांत महासागर में चीन की मौजूदगी ठीक नहीं है, महासागर का मिलिट्री बेस नहीं चाहिए। न्यूजीलैंड ने यह बात भी दोहराई है। रूस यूक्रेन जंग के बीच प्रशांत महासागर जंग का मैदान बनता जा रहा है। बादशाहत की जंग में चीन सोलोमन डील ने आग में घी का काम किया है। इस डील के बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान चार देश टेंशन में हैं। सोलोमन के इन पड़ोसी देशों ने चीन से हुए सुरक्षा समझौते पर नाराजगी जाहिर की है। इन देशों का कहना है कि चीन ने पैसिफिक रीजन में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक कमजोर देश को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने चीन की सोलोमन डील को ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। The reports that we've seen are not a surprise to us and a reminder of the constant pressure and threats that present in our region to our own national security. वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रशांत महासागर में चीन की मौजूदगी ठीक नहीं है। New Zealand has long expressed an opinion that we do not want to see the militarization of the Pacific. That we believe we can support one another with defence and security needs as they arise, and New Zealand has a history of doing that in the Solomon Island. परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।